राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे प्यारे कुकू। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए एक नेट फैब्रिक की समर ड्रेस, जो कि फ्रेंड्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। और फ्रेंड्स, इसे बनाने में मैंने ना तो सुई धागे का यूज़ किया है, ना ही सिलाई मशीन का, ना ही किसी बुकरम का और ना ही किसी ग्लू का। तो फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ईजी है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूले, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस पोशाक को बनाना। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर का नेट का फैब्रिक लिया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत प्यारा सा कलर ग्रीन कलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वीडियो में सही नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अब देखिए, हमने इसकी ये कुछ स्ट्रिप कट की हैं इस वाले फैब्रिक की। तो देखिए, ये स्ट्रिप मैंने लगभग 2 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी, देखिए 2 इंच चौड़ी है और 7 इंच लंबी है। इसी तरह से मेरी सारी स्ट्रिप इसी मेज़रमेंट में कट की हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। तो देखिए, मैंने ये फैब्रिक लिया है और देखिए फैब्रिक में आपने देखा होगा ये एक किनारे पर एक पट्टी होती है, ये थोड़ी सी मजबूत होती है। तो हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने ये कट कर लिया। फ्रेंड्स, आप इसकी जगह कोई डोरी वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसी कलर में चाहिए थी तो मैंने ये ले ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, हम पहले एक स्ट्रिप ले लेंगे। देखिए, इस तरह से एक स्ट्रिप उठाएंगे और इसे इस तरह से ऐसे करेंगे और फिर डबल फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, एकदम बराबर बराबर कर लेंगे, छोटा बड़ा ना रहे, एकदम बराबर बराबर। उसके बाद देखिए, इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद देखिए, इस तरह से इस वाली स्ट्रिप में ऐसे करके और इसके अंदर से देखिए ऐसे निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से बहुत इजी है फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह से एक तैयार हो गई है। इसी तरह से हम एक और लेंगे, उसको भी इसी तरह से डबल फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से ऐसे और फिर इसी तरह से उसको भी, देखिए ऐसे बीच में से जो ये डबल फोल्ड हम कर रहे हैं इसके बीच में से ऐसे निकालना है दोनों स्ट्रिप को। देखिए, इस तरह से, और फिर इसे हम खींच लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा टाइट खींचेंगे। और देखिए, सभी को हम एकदम पास पास करते जाएंगे। देखिए, ये दो हमने किए, एकदम पास पास एकदम मिला देंगे, इनमें बिल्कुल भी गैप ना रहे, एकदम मिला देंगे इनको हम। देखिए, इस तरह से ये दो हो गई है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट वाली लेंगे और उसको भी इसी तरह से, देखिए इस तरह से प्लेट्स डालेंगे और उसके बाद ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, एक सी फोल्ड करेंगे, एकदम कोई भी आगे पीछे ना रहे। देखिए, ये आगे पीछे है, हम इसको बराबर कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, ऐसे इसमें से निकालेंगे अब। देखिए, और टाइट खींच देंगे थोड़ा सा, एकदम पास पास चिपका देंगे और सभी को एकदम पास पास करते जाएंगे, चिपकाते जाएंगे। देखिए, तो इसी तरह से हमें फ्रेंड्स सारी स्ट्रिप इसी तरह से करनी है, जब तक कि ये लड्डू गोपाल जी के कमर के नाप के नहीं हो जाएं। तो लड्डू गोपाल जी की जो एक नंबर के लड्डू गोपाल जी की कमर होती है वो लगभग 2 से 2.5 इंच के बीच होनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से ये मैंने इतनी कर ली है। अब ये देखिए, इसको जब ये दोनों स्ट्रिप जैसे हम पीछे बांधेंगे लड्डू गोपाल जी कमर में, तो देखिए इस तरह से ये एक सर्कल में आ जाएंगे। देखिए, इस तरह से एक सर्कल में आ जाएंगे। देखिए, ऐसे
अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम इसको खोल देंगे और जो ये थोड़ी छोटी बड़ी दिख रही हैं किनारे पे, इनको हम एक सा कर लेंगे, कट कर देंगे और बिल्कुल एक सा कर लेंगे। जो छोटी बड़ी दिख रही हैं वो नहीं दिखनी चाहिए। देखिए इस तरह से हो गया है। अब इस पे देखिए मैंने ये कुछ गोल्डन कलर के कुंदन लिए हैं छोटे वाले, इनको हम पेस्ट करेंगे, इस पे लगा देंगे। तो ये फैब्रिक ग्लू हमने ले लिया है, फैब्रिक ग्लू के हेल्प से देखिए हम ऐसे एक एक करके ऐसे रख देंगे पहले, और उसके बाद फिर ये कुंदन हम एक एक करके इस पे किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से ऐसे एक एक करके लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये कुंदन लगा लिए हैं और इसमें जो ये फैब्रिक ग्लू दिख रहा है सूखने के बाद बिल्कुल नहीं दिखाई देगा और ये बहुत सुंदर लगेंगे। तो इस तरह से हमने ये कुंदन लगा लिए। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए देखिए मैंने ये येलो कलर की लेस ले ली है और ये 6 इंच लंबी इसकी स्ट्रिप ले ली है एक। अब देखिए इसको हम डबल फोल्ड करके दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखिए ऐसे कट कर लिया हमने। अब इनको देखिए सेम इसी तरह से ऐसे नीचे रखेंगे। देखिए ऐसे, देखिए हमने इनको लगा लिया है। मैंने हल्का सा फेविबॉन्ड यूज़ किया है फ्रेंड्स, इसमें मैंने ग्लू गन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ भी देखिए हम इसे ग्लू गन से ही पेस्ट कर लेंगे, सॉरी फेविबॉन्ड से पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये चोली हमने लगा ली है और ये ड्रेस बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी के पीछे से बांध देंगे, दोनों स्ट्रिप ये अंदर कर देंगे उनके कंधे के ऊपर से और पीछे से फिर हम ऐसे बांध देंगे। देखिए ऐसे, तो देखिए फ्रेंड्स ये कितनी प्यारी सी, कितनी क्यूट सी पोशाक कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई है। अब चलिए हम इसकी कैप बनाएंगे मैचिंग की। तो मैचिंग कैप बनाने के लिए देखिए मैंने ये डबल फोल्ड करके 7 इंच, देखिए अगर इसको हम खोलेंगे तो ये 14 इंच लंबी है टोटल, तो 7 इंच लंबी हमने इसे डबल फोल्ड की है और ये 2 इंच चौड़ी है। तो अब इस तरह से देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसे ले लेंगे और हमने सुई धागा ले लिया है। अब सुई धागे देखिए लगभग नीचे आधा इंच हम छोड़ देंगे, नीचे से आधा इंच हम छोड़ देंगे और यहाँ से हम इसमें टाँके डालेंगे। लेकिन पहले हम एक पक्का टाँका लगा लेते हैं ताकि कभी कभी नेट फैब्रिक से नॉट निकल जाती है तो ये खुल जाते हैं, तो इसलिए हम पहले एक छोटी सी नॉट लगा लेते हैं। उसके बाद अब इसमें हम टाँके डालना शुरू करेंगे छोटे छोटे से। अब देखिए हमने ये टाँके डाल लिए हैं। अब इसे हमें इतना खींचना है कि ये लड्डू गोपाल जी की सर की गोलाई के हिसाब से आ जाए। तो सर की गोलाई लड्डू गोपाल जी की जो होती है वो लगभग 2 से 2.5 इंच के बीच होती है। तो हम देखिए ये अभी 3 इंच है, तो इसको हम अभी 2.5 इंच, लगभग हमें 2.5 इंच करना है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से खींच लेंगे और फिर यहाँ पर पक्का कर देंगे, पक्का टाँका लगा देंगे। देखिए हमने पक्का टाँका लगा दिया है। अभी हम धागा कट नहीं करेंगे, अभी हम धागा इसी में रखेंगे। अब देखिए हम यहाँ से थोड़ा सा खिसका लेते हैं और यहाँ, और दोनों को मिला के दोनों किनारे देखिए इस तरह से जोड़ के और इनको हम सिलाई कर देंगे। तो हम इसी सुई धागे से इसमें सिलाई कर देते हैं ऊपर तक।
देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दी है। अब हम यहाँ इसे थोड़ा पक्का कर देते हैं, एक टाँका पक्का टाँका लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं ताकि ये खिसके ना, क्योंकि अभी हम धागा कट नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसे, देखिए इस तरह से हो गया है। अब जो ऊपर की तरफ ये, यहाँ से अब हम टाँका डालेंगे, इसमें छोटे छोटे से टाँके डालेंगे पूरे सर्कल में। तो देखिए हमने ये पूरे सर्कल में टाँके डाल लिए। अब हम इनको अच्छी तरह से खींच के थोड़ा सा इसको टाइट करके और नॉट लगा के धागा कट कर लेंगे। देखिए हमने धागा कट कर लिया है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे इसको। देखिए इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जहाँ हमने नीचे सिलाई लगाई थी वहाँ इसके चारों तरफ सर्कल में हम ये वाली लेस लगा देंगे। देखिए इस तरह से ये लेस लगा देंगे। तो देखिए ये कितनी प्यारी सी कैप बनके तैयार हो गई है, और ये कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, कितनी क्यूट लग रही है ये, और ये लड्डू गोपाल जी के ऊपर बहुत ही सुंदर लगेगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये पोशाक बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये पोशाक? पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह की एक और ब्यूटीफुल पोशाक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।